नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित सुरेश भाई शास्त्री गुरुजी सूरत गुजरात से हमारे यूट्यूब चैनल ब्लैक मैजिक वशीकरण गुरुजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने मेरे वशीकरण से बहुत से भी प्रोग्राम देखे होंगे, लेकिन आज जो मैं प्रोग्राम आपको बताने जा रहा हूँ वो सभी प्रोग्रामों से लगभग हटकर है, क्योंकि मेरे पास बहुत से कॉल आते हैं कि दो गुरुजी, मुझे इस प्रकार का कोई ऐसा पावरफुल वशीकरण मंत्र या ऐसा कोई प्रयोग या ऐसी कोई विधि बताओ जिससे सामने वाला इंसान एक मछली के जैसे तड़प कर हमारे पास में आए। तो मेरे प्रयोग मेरे भी आपने देखे होंगे पिछले प्रोग्राम में, कोई ऐसा प्रयोग अभी तक सार्थक नहीं हुआ जो इतना पावरफुल हो जितना कि ये प्रयोग जो मैं आज बताने जा रहा हूँ। और दोस्तों, जब कोई इंसान, आज जो मैं प्रयोग बताने जा रहा हूं वो है सबसे पावरफुल, खतरनाक और दर्दनाक। इस वशीकरण का नाम है सबसे खतरनाक दर्दनाक। दर्दनाक वशीकरण करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब इंसान, कोई भी लड़की हो या लड़का हो या पत्नी हो या पति हो, आपको छोड़कर चला जाता है और आप उसकी याद में खून के आंसू रोते हैं और आपका जो दर्द है, जो तकलीफ है, वही तकलीफ का एहसास उसको दिलाने के लिए इस वशीकरण की जरूरत पड़ती है। रियल में दोस्तों, आप इस वशीकरण के प्रयोग से आपको इतना अच्छा लगेगा अगर आप ये अंत तक देखेंगे इस वशीकरण के प्रयोग को, कि निश्चित रूप से 101% वो सामने वाला जिस व्यक्ति, चाहे लड़का हो या लड़की हो, चाहे पति हो या पत्नी हो, आपको छोड़कर गया है, आपको खून के आंसू रुला के गया है, आप खून के आंसू रो रहे हैं उसको पाने के लिए, या उसने कोई दूसरी शादी कर ली है, तो इस वशीकरण के माध्यम से आप उसको उतना दर्द जो आप महसूस करते हैं उतना ही दर्द उसको दे सकते हैं, और देना भी चाहिए, क्योंकि उसने आपके आंसुओं की कीमत नहीं समझी, आपकी भावनाओं को नहीं समझा, और वो आपको छोड़कर किसी भी कारण से हो, पर स्त्री के लोलुप में चला गया, या आप वो आपका ब्रेकअप हो गया, वो छोड़कर आपको, एक लड़का छोड़कर दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ गया और आपको छोड़ दिया खून के आंसू रोने के लिए। तो इस प्रयोग के माध्यम से हम ऐसा एक प्रयोग, इसमें हम जरूरत पड़ेगी अपने को 108 मछली के कांटों की। भगवान विष्णु का एक अवतार यह भी है, मत्स्य अवतार, इसलिए भगवान विष्णु इस प्रयोग को करने के लिए आपको शुक्रवार को यह प्रयोग करना है और सवेरे नहा धोकर भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पूजा आराधना करके फिर आप इस प्रयोग को शाम को करना है, शुक्रवार को 7:30 से 9 बजे के बीच में, और ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः मंत्र का जाप करना है, और फिर आप मंदिर में जाने के बाद में कोई भी मछली को कांटे आप लेके आ जाइए, या कोई इस प्रकार के कांटेदार मछली लाइए जिसमें बड़े बड़े कांटे हो, और उस कांटे को, मछली को आप बॉयल करके पानी में उसके कांटे आप निकाल लीजिए, और फिर उसको साफ पानी से धो के 108 कांटों की इसमें मेन जरूरत पड़ेगी, तो ही वह इंसान जिस प्रकार से मछली पानी को बाहर निकालते ही उसके बिना कैसे तड़पती है, वो इंसान आपको पाने के लिए उतना ही तड़पेगा। ये 101%, मैंने काफी टाइम से, मैंने लगभग 1 महीने से वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मुझे इस ऐसे कुछ प्रयोग की तलाश थी जो वाकई में सबसे दर्दनाक, तकलीफ वाला वशीकरण हो, ताकि उसको एहसास दिलाया जा सके। तो इस प्रयोग को हम किस प्रकार से करेंगे, इसमें कौन सा मंत्र रहेगा, वो मैं आपको बताऊंगा, और ये प्रयोग करने से पहले जो मैंने विधि बताई है वो जरूर आप कर ले। मन सबसे पहले शुक्रवार के दिन भगवान विष्णु भगवान के मंदिर जाना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरा यह प्रयोग आज जो मैं करने जा रहा हूँ, मछली के कांटों वाला जो आपका मत्स्य अवतार है, उसका आशीर्वाद दे और मुझे इस काम में सफलता मिले, और पूरे दिन भर ओम विष्णुवे नमः मंत्र का जाप करना है। और वशीकरण के लिए आप कौन सा मंत्र इसमें आप काम में लेंगे और मैं विधि आपको सही विधि विधान से आपको बताता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। और यदि आपको मेरा यह चैनल आपको पसंद आ रहा है
तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वर्ल्ड में किसी भी कोने में आप मेरा वशीकरण का हो, मारण का हो, लक्ष्मी प्राप्ति का हो, विद्या प्राप्ति का हो, या कोई भी प्रयोग जो आपको जीवन में बहुत उपयोगी हो, आपके जीवन को सफल बना सके, तो वो आप सबसे पहले आप देख पाए, इसलिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार। हाँ तो दोस्तों, इस प्रयोग को करने के लिए आपको हरे कलर का कपड़ा एक पाठे के ऊपर बिछाना है। शुक्रवार का दिन रहेगा, शाम को 7:30 से 9 बजे। आपने दिन भर में मंत्र का जाप कर लिया है, ओम विष्णुवे नमः। फिर रात को 7:30 से 9 बजे आपको एक लाल कलर का इस प्रकार से एक पुतला बनाना है। उस पुतले के ऊपर 3 नींबू बांधने हैं, और जिसको भी आप वश में करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका प्रेमी मछली की तरह तड़प कर आपके पास में आए, तो उसका फोटो आप पुतले के ऊपर बांध दीजिए। और दोस्तों, ये प्रयोग 100% सिद्ध है, सफल है, आजमाया हुआ है, मैंने प्रयोग करके देखा है और सफल और सिद्ध हुआ, तभी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि इस प्रयोग को आप किस प्रकार से करेंगे, जिससे आपका समय और पैसा बर्बाद नहीं हो, ये प्रयोग को आप कर सके। इस प्रकार से आप अच्छी क्वालिटी के 2 धूप जला लीजिए, पूजा की दुकान से आराम से मिल जाएंगे। ये इस प्रकार से क्वालिटी का अच्छा धूप मिलता है, और एक अच्छा लोबान, अच्छी क्वालिटी का लोबान आप मंगा लीजिए। थोड़ा कॉस्टली जरूर रहता है, ये दुबई से मंगाया हुआ अच्छा क्वालिटी का है लोबान। फिर आप ले लीजिए थोड़ा कुमकुम एक थाली में, थोड़े से चावल, और फिर आप ओ माँ भद्रकाली के प्रसन्नस्तु नमः इस प्रकार से बोल के आप पुतले के ऊपर कुमकुम डालेंगे और थोड़े चावल डालेंगे। ओ माँ भद्रकाली के प्रसन्नस्तु नमः। और फिर दोस्तों, मछली के 108 कांटे आपको लेने हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा प्रेमी मछली की तरह तड़प कर मेरे पास में आए, तो इस प्रकार से आपको 108 कांटे मछली के लेने हैं, और मछली को बॉईल करके आप वो कांटे निकालने हैं। और उस दिन आपको किसी प्रकार का मांस मछली मदिरका का आपको खुद सेवन नहीं करना है। और फिर इस अच्छे प्रकार के 2 लोबान को ऊपर आप अच्छा सा ऊद रख देंगे जलाने के लिए। और नींबू के ऊपर मछली के कांटे आराम से उसमें जा सके, उसके ऊपर पहले नाम भी लिखना है, जिसको भी आप वश में करना चाहते हैं, उसके ऊपर आप सुई से इस प्रकार से होल कर दीजिए, और नींबू को कस के अच्छे से बांधिए लाल नाड़ा छेड़ी धागा से, मोली से, ताकि नींबू टाइट रहे, क्योंकि आप जब भी मंत्र बोलेंगे और उसके अंदर नींबू डाल आटा डालेंगे मछली का, तो नींबू गिर नहीं जाए, उसकी इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और फिर आप इस प्रकार से मंत्र जो रहेगा सबसे प्रभावशाली, जो मैंने इस प्रयोग में काम में लिया है और मुझे सफलता मिली है, वो मंत्र इस प्रकार से हैं। इस मंत्र को आप 108 मंत्र बोलते जाएंगे, और मछली का कांटा नींबू के अंदर डालते जाएंगे, और मंत्र इस प्रकार रहेगा। ओम नमो आदेश गुरु को सिद्ध माता स्तंभनी मोहिनी वशीकरणी अमुक, जिसको आप वश में करना चाहते हैं, मोहिनी मम वश्य करी करी इच्छित कार्य पूर्ति कुरु कुरु स्वाहा, मम प्रेमी मत्स्य समान तड़प तड़प कर आए मेरे पास। इस प्रकार से आप इस मंत्र का 108 बार मंत्र जाप करेंगे, और आप मछली के कांटों को इस प्रकार से तोड़ के मंत्र बोलते जाएंगे और उसमें डालते जाएंगे और मंत्र बोलते जाएंगे। ओम नमो आदेश गुरु को सिद्ध माता स्तंभनी मोहिनी वशीकरणी मोहिनी मम वश्य करी करी इच्छित कार्य पूर्ति कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से कांटा उसमें नींबू में डालते जाएंगे और मंत्र बोलते जाएंगे, मम प्रेमी मत्स्य समान तड़प तड़प कर आए मेरे पास।
शुक्रवार के दिन दोस्तों ये मंत्र ये करना है, और इस प्रयोग को करने के बाद में 108 मंत्र कंप्लीट होने के बाद में वो 108 काटे पूरे लिंबू में, तीनों लिंबू में लगने चाहिए, क्योंकि ये तीन जो शरीर के जो मेन केंद्र बिंदु रहते हैं, हार्ट का, नाभि का और मूल स्थान का, ये तीनों पर जब आपका कांटा लगेगा तो सामने वाला व्यक्ति उस ऐसा महसूस करेगा जैसे कि मैं खुद कांटों की सैया पर सोया हूं, और जब तक वो आपसे बात नहीं करेगा, जब तक वो आपसे कांटेक्ट नहीं करेगा, आपके मिलने के लिए तड़पेगा नहीं, तब तक उसको ऐसी सुइयों के कांटों का अनुभव होगा। इस प्रकार से आप मंत्र बोलते जाएंगे, ओम नमो आदेश गुरु को सिद्ध माता स्तंभनी मोहिनी वशीकरणी अमुक, मैंने इसमें इस लड़के का नाम है राधिका के लिए मैंने प्रयोग किया है, राधिका, इसमें मोहिनी राधिका मोहिनी मम वश्य करी करी इच्छित कार्य पूर्ति कुरु कुरु स्वहा, मम प्रेमी मत्स्य समान तड़प तड़प कर आए मेरे पास। इस प्रकार से 108 काटे उसमें आप डालते जाएंगे, इस प्रकार से आपको कांटे तोड़ तोड़ के उसमें डालना है। इस प्रकार से आप पूरा भी डाल देंगे तो कोई परवाह नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इस प्रकार से आपको डालते जाना है। 108 कांटे लगने के बाद में आपको, और मंत्र सफल होने के बाद में आपको इस प्रकार से पूरी ये ग्रीन कलर के कपड़े की पोटली बनानी पड़ेगी, इस प्रकार से इसको फोल्ड करना पड़ेगा ऐसे, और इस प्रकार से आप इसको फोल्ड करने 108 मंत्र, इसमें मंत्र को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, मंत्र अपने आप में सिद्ध है, आजमाया हुआ है, सफल है योर प्रयोग, और 108 में ही काम मंत्र बोलते ही आपका काम सफल हो जाएगा। और इस प्रकार से आप इसमें पोटली बना इसके ऊपर कर कोई धागा बांध सकते हैं, काला पीला कोई भी धागा, कोई जरूरी नहीं है कुछ इस कलर का, कपड़ा ग्रीन होना चाहिए, पुतला लाल कलर का होना चाहिए, और बांधने के बाद में इसको ऐसे निर्जन स्थान में पीपल के पेड़ के नीचे नहीं डालना है इसको, क्योंकि पीपल पवित्र होता है और इसमें मछली के कांटे लगे हैं, इस बात का आप ध्यान रखें, इसको आप शमशान में भी नहीं, कब्रिस्तान में ऐसे निर्जन स्थान पर डालना है, 3 या 2-3 फुट का खड्डा खोद के, जहाँ पर कोई आता जाता नहीं हो, जहाँ पर कोई भवन निर्माण भविष्य में बनने वाला नहीं है, निर्जन स्थान है, खंडर है, वहाँ पर इस स्थान को अंदर डालना है, और इसके ऊपर कोई ऐसा पत्थर या कोई ऐसी निशानी रखनी है जिससे आप भविष्य में जब वो प्रेमी आपके पास में आ जाता है तो इस पुतले को काट निकालना है, तीनों लिंबुओं को वापस खोल के कांटे निकाल के पानी में विसर्जन करेंगे, तभी उसके अंदर उस दर्द तकलीफ खत्म होगी, नहीं तो वो आदमी इंसान आपके पास आने के बावजूद भी तड़पता रहेगा, परेशान, उसको कांटे की चुभन होती रहेगी, इसलिए इस विशेष का ध्यान रखें, आपको ऐसे स्थान पे इस पुतले को डालना है जहाँ पर आप भविष्य में वापस निकाल सकें और उसको आज़ाद कर सकें। तो इस प्रकार से यह कार्य आपका सफल होगा, सिद्ध होगा। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा आने वाला वशीकरण का प्रोग्राम आप देख सकें। धन्यवाद, नमस्कार।